हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ य वी वर डिस्कसिंग डिस्कशिंग अबाउट द क्यूब पॉइंट क्यूबाइड ऑफ द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नाउ द नेक्स्ट जोमेट्रिकल सेब्स सिलेंडर कोन स्फेयर एंड हेमी एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेंडर सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं अगर इसकी रेडियस आर हो और इसकी हाइट एच हो तो इसका कर्ब्ड सरफेस एरिया जो चारों तरफ का होता है कर्ब्ड सरफेस एरिया दैट इज़ टू पाई आर एच ये इसका फॉर्मूला होता है अब इफ़ यू है अ सॉलिड सिलेंडर अगर हमारे पास कोई सॉलिड सिलेंडर है सिलेंडिकल शेप्ड कोई सॉलिड आइटम है तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा चारों तरफ का कर्ब्ड सरफेस एरिया हुआ प्लस एरिया ऑफ बेस ये बॉटम है जो और एरिया ऑफ टॉप सॉलिड है ना वो पूरा नीचे भी एक एरिया होगा ऊपर भी होगा अब जो टॉप और बॉटम होते हैं ये सर्कुलर शेप्ड होते हैं ना सर्कल की तरह सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है कर्व्ड एरिया हमारा पाई आर एच हो गया ये दिख रहा होगा आपको प्लस बॉटम का क्या हो गया पाईआर स्क्वायर टॉप का भी हो गया पाईआर स्क्वायर तो टू पाई आर स्क्वायर तो यह हो गया इसमें से टू पाई आर कॉमन आ गया एच प्लस आर ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच ठीक हो गया अब नेक्स्ट जो जोमेट्रिकल शेप होता है दैट इज़ कोन ये कोन है कोनिकल शेप्ड आपने बर्थडे के दिन जो पहनते हैं आप कैप वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेडियस आर है इसकी हाइट एल है एच है और ये जो स्लैंट हाइट होती है तिरछी इसको बोला जाता है एल स्लैंट हाइट हुई है तो आर स्लेंट आइट एल मैंने बोला हाइट एच बोला तो स्लैन टाइट का फॉर्मूला देखिए यहां पर ये यह फॉर्मूला बनता जैसे आप ध्यान से देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये राइट एंगल है नाइन्टी डिग्री है तो राइट एंगल ट्रा में ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू तो क्या होगा बेस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो भी बोलें तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू तो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अगर आप एल निकालें तो इसका रूट हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये फॉर्मूला बनता है इसका कर्व्ड सर्फेस एरिया होता है पाई आर एल ठीक अब टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा कर्व्ड सर्फेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ऊपर तो खाली पॉइंट हुआ ना ही ऊपर तो कुछ नहीं है ये पॉइंट है पॉइंट पे मिले हुए हैं सब तो नीचे क्या होगा इसका एक बेस होगा तो कम सर्विस एरिया प्लस बेस कैसा होता है इसका भी सर्कुलर पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा पाईआर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर कॉमन आया एल प्लस आर इसका वॉल्यूम होता है वन अपॉइंट थ्री पाई आर स्क्वायर एच अब बात आई स्फेयर और हेमी की देखिए ये स्फेयर है मैंने बना रखा है अब इसमें तो बुक में तो ये टू डी सेफड बनेगा मैंने इसको शेड कर दिया है ताकि आपको थ्री डी लगे इसकी रेडियस अगर आर हो आर रेडियस और फेयर को हिंदी में गोला कहते हैं सरफेस एरिया क्या होता है इसका फोर पाईआर स्क्वायर अब मैंने सरफेस एरिया कहा कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं कहा क्योंकि गोला अगर आप देखेंगे आपने देखा होगा गेंद ले लीजिए आप बॉल ले लीजिए कुछ भी तो वो हर जगह कर्बड ही होती है हर जगह कर्बड होता है ना उसका एरिया तो आप कर्बड बोलो चाहे सीधे सरफेस एरिया बोलो बात बराबर है तो हो गया फोर पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम होता है फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब ओके नाउ द नेक्स्ट इज हेमिसफेयर ये देखिए गौर से आपको दिख रहा होगा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये हेमिसफेयर है एक बाउल शेप्ड आपको दिख रहा होगा इसकी रेडियस अगर आर है तो हेमिसफेयर का जो कर्बड सर्फेस एरिया होगा वो क्या होगा अब इसमें कर्बड सर्फेस एरिया बोला गया है उसका कारण है अभी समझाऊंगा इस अगर स्फेयर का फोर पाई आर स्क्वायर होता है तो हेमिसफेयर मानी अर्ध गोला हुआ आधा हुआ उसका तो कितना होगा टू पाईआर स्क्वायर बट अब देखिए आप गोल चीज़ को ही एक आप एप्पल ले लीजिए या कुछ भी ऐसे उसको बीच से काट दीजिए तो नीचे से एक कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा उसका ऊपर भी एक एरिया बन जाएगा ऊपर एक इस प्रकार से गोल एक एरिया ऐसे और बन जाएगा उसका ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से ना ये ये वाला भी एरिया होगा उसका ये कर्व्ड तो यही है प्लस ये भी और ये कैसा होगा सर्कुलर तो कर्व्ड सर्फेस एरिया कैसा था टू पाई आर स्क्वायर था ना तो प्लस एक पाईआर स्क्वायर ये भी हो जाएगा तो टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाईआर स्क्वायर कितना हो गया थ्री पाईआर स्क्वायर ये होता है इसका टोटल टो सर्फेस टो 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 एरिया और इसका वॉल्यूम कितना होगा जितना स्पेयर का होता है उसका आधा यानी कि टू अपॉन थ्री पाईआर क्यूब इतना इसका क्या होगा वॉल्यूम होगा अभी सारे लगभग फॉर्मली जोमेट्रिकल शेप्स के कंप्लीट हो गए हैं एक आपका फ्रस्टम और होता है इसमें फर्स्टम लास्ट ईयर और दिस ईयर इन दोनों एकेडमिक ईयर्स के लिए उसको हटा दिया गया है सिलेबस से तो उसको नहीं करा रहे हैं इनको आप ध्यान से करिए सारे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए फिर हम एक्सरसाइज़ की तरफ बढ़ेंगे और फटाफट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे